आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक सिंपल फ्यू इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली वेट लॉस स्मूदी। गाइस हम में से काफ़ी लोगों को, मोस्टली लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है और गोलगप्पे समोसे देख के तो हमारे मुँह में पानी आ ही जाता है। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हमने बहुत सारी रेसिपीज घर पर ट्राई की हैं, खाया है, पिया है एंड वेट गेन कर लिया है। और हम सोचते हैं कि हम अपना वेट जो है वो लूज़ कर लेंगे, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, जिम जाएंगे, कोई डाइट फॉलो करेंगे, अपने वेट को लूज़ कर लेंगे। लेकिन मोस्टली केसेस में कभी कभी स्ट्रेस की वजह से या कभी कभी हमारे मूड की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रेसिपी जो है वो आपको आपका वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगी। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेके उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ओट्स। मैंने यहाँ फोला ओट्स का यूज़ किया है, आपको जो भी ओट्स पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इन्हें भूनने का फ़ायदा ये है कि जो फाइबर्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे हमारे वेट लॉस में और हेल्प होगी। आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ। गाइस इस रेसिपी में एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आप जितने भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको यूज़ करने ही करने हैं। सो गाइस आफ्टर 2-3 मिनट्स हमारे ओट्स हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और जाते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम यहाँ पे कोई भी मिक्सर ग्राइंडर जार जो है वो ले लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे अपने ओट्स। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 बनानास। तो मैंने बनानास को छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें डाल लिया है। बनानास आपको हेल्प रखेगा काफ़ी देर तक आपके स्टमक को फुल रखने में, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी अगर आप इसमें बनानास को ऐड करते हैं। और ये भी वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी का, जो आपको मिठास का काम करेगा आपकी स्मूदी में। इसलिए अब हम इसे क्लोज करते हैं और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में जो है वो मिक्स कर लेंगे। चलिए मैं इसे जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ। हम इसका एक स्मूथ पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। सो गाइस इसे मिक्स करने के बाद मैं आपको इसे दिखा देती हूँ ये कितना स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फाइनल इंग्रेडिएंट दूध। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 ग्लास दूध जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटिटीज जो है वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी बच्चे को इसे देना है तो आप तकरीबन 1 ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप किसी बड़े को ये स्मूदी दे रहे हैं तो आप क्वांटिटी डबल यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसे भी मिक्स करने के बाद अब हमारी यहाँ पे जो स्मूदी है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी स्मूदी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये जितनी हेल्दी है उतनी ही ये यम्मी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे रेगुलर बेसिस पे कैसे लेना है। सो गाइस आपको इसे मॉर्निंग में सुबह 7 से 10 बजे के बीच में ले लेना है, और उसके बाद आपको तकरीबन 1 से 2 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं है। आप बीच में वाटर इनटेक कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लेकिन आपको और कुछ नहीं लेना है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप बच्चे को इसे दे रहे हैं तो आप 1 ग्लास दे सकते हैं स्मूदी का, और अगर कोई बड़ा इसे ले रहा है तो आप 2 ग्लास ले सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। और आपको 2 बजे तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप इस रेसिपी को और इस स्मूदी को जो है वो रिलीजियसली ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी आपको वेट लॉस महसूस होगा। सो गाइस ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू। Thank you.